नमस्कार दोस्तों, एस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 16 सवाल सॉल्व करेंगे। और ये मनोहरी के बुक से है और इसका कमेंट आया हुआ है कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को फिर से समझाने का प्रयास करेंगे और यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है तो आप लोग जो है अपने कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि नए हैं तो। और इसके जो है बेल आइकन को, घंटी को बजाना न भूलिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। यदि cos a बराबर 1/√2, sin b बराबर √3/2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित क्या है? साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए अब हम लोग यहाँ लिखेंगे हल हल जब जब कास ए बराबर 1/√2 हो तो कास ए बराबर क्या होता है? कास ए बराबर लिख सकते हैं 1/√2 बराबर क्या होता है? कास बराबर लम बटे आधार होता है ना, सॉरी आधार बटे कोण, आधार आधार बटे कोण होता है ना। यानी कि हम लोगों को इससे जो है क्या ज्ञात है? आधार ज्ञात है और कर्ण ज्ञात है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या ज्ञात करने की जरूरत है? लम, ठीक है ना। तभी ना कास ए का मान जो है साइन ए का मान निकलेगा। अगर कास ए ज्ञात कर लेते हैं तब जाके इसी जो है इसमें दो फिगर की जरूरत पड़ेगी, दो फिगर बनाना पड़ेगा। वो कास ए के हिसाब से होगी, साइन बी के हिसाब से। तो कास ए के हिसाब से पहले जो है फिगर बना लेते हैं, कास ए के हिसाब से, ठीक है। तो कास ए के हिसाब से अगर फिगर बनाते हैं तो पहले जो है फिगर बना के और लंब ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है समकोण त्रिभुज हो गया, जहाँ समकोण में जो है समकोण को बी ले लीजिए, यहाँ ए ले लीजिए कास ए है तो, और यहाँ सी ले लीजिए, ठीक है। तो अब कास ए के हिसाब से आधार और कर्ण ज्ञात है। तो आधार कितना है? एक है भाई। इसके हिसाब से आधार कहाँ है? ये है। तो आधार का मतलब ये एक है, ठीक है। इस कोण के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो है लंब होगा, तो ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। भाई 90 डिग्री के सामने का भुजा हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है, ये फिक्स है। तो ये कर्ण है, तो कर्ण दिया हुआ है कितना? √2, ठीक है। आधार कितना दिया हुआ है? एक। इसको आधार कहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके सामने की भुजा लंब होता है, तो शेष बचा भुजा आधार होगा, क्योंकि ये कर्ण फिक्स है, ठीक है। तो ये आधार हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? लंब ज्ञात करना है, ठीक है। तो लंब कैसे ज्ञात करेंगे? भाई आप लोग जानते भी होंगे, लंब जो है पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस गोरस प्रमेय से। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि मैथ में अगर वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो मैथ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग क्या होता है? पाइथागोरस का प्रमेय कि कर्ण का वर्ग यानी कि कर्ण पे बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण पर बना वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग अधन आधार का वर्ग, आधार का वर्ग होगा, ठीक है। तो आधार का हमने वर्ग कर दिया, ठीक है। अब यानी कि कर्ण का वर्ग, तो कर्ण दिया हुआ √2, तो √2 का वर्ग भर देंगे, ठीक है। बराबर लंब, तो लंब तो पता नहीं है, तो लंब ही ज्ञात करना हम लोगों को। तो यहाँ पे जो है आधार का वर्ग, तो आधार का मतलब एक है, तो इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई? इसका वर्ग करेंगे, √2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है ना। क्योंकि √2 का वर्ग करते हैं तो हो जाता है 2, ठीक है। और बराबर यहाँ क्या होगा? लंब, तो लंब का वर्ग रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। और यहाँ जो है प्लस में है 1 का वर्ग, ठीक है।
अब देखिए हम लोग को लंब ज्ञात करना है, तो इसको जो है क्या भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो 2 -1 हो जाएगा, अब बराबर ही हो जाएगा लंब लंब का वर्ग। ठीक है, अब लंब का वर्ग, अब 2 में से 1 हटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 बराबर लंब, लंब कितना है, तो यहाँ चाहे तो हम लंब के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ना लंब के जगह पे BC भी लिख सकते हैं, तो BC का वर्ग बराबर 1। ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट में 1। ठीक है, जब वर्ग यहाँ से इधर आएगा बराबर के इधर, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1, यानी कि बराबर BC। ठीक है, अब अंडर रूट में 1 का मतलब क्या लिख सकते हैं भाई, अंडर रूट 1 का मान 1 है होगा, होगा ना, तो बराबर लिख देंगे BC बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो BC का मान हो गया 1, यानी कि यहाँ पे लंब निकल गया 1। ठीक है, तो अब हम लोग चाहे तो यहाँ से, अब देखिए इसमें दिया है, जरूरत पड़ेगा किसका, कास ए का मान, कास ए का मान तो निकाले लिए, दिया ही है, साइन ए की जरूरत पड़ेगी, तो अब इस फिगर से हम लोग साइन ए ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना, इस फिगर से हम लोग साइन ए ज्ञात कर लेंगे, तो साइन ए बराबर, ठीक है ना, तब यहाँ लिखेंगे, तब देखिए यहाँ फिगर दिखा दे रहे हैं, तब यहाँ लिखेंगे, तब भाई आप लोग लाइन से लिखिएगा, हम यहाँ दिखाने के लिए लिख रहे हैं, तब साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, सब कुछ ज्ञात हो गया, तो साइन ए यानी कि इसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कोण, तो लंब बटे कोण, तो लंब बटे कोण। ठीक है, तो लंब कितना है, लंब का मतलब है BC, अब बटे कर्ण का मतलब है AC। ठीक है, तो BC अभी कितना आया है हम लोगों का, 1 आया है, देखिए यहाँ यही ना है BC, तो BC का मान 1 आया है, तो BC का मान 1 रख देंगे, AC का मान अंडर रूट 2 दिया है, तो अंडर रूट 2 रख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों का साइन ए का मान निकला 1/√2। ठीक है, तो पहले फिगर से हम लोग मान निकाल लिए साइन ए का 1/√2। ठीक है, तो इसको जो है घेर देते हैं ताकि ये इधर उधर ना जाए। ठीक है, तो साइन ए का मान निकल गया 1/√2। अब जो है साइन बी से जो है हम लोग कास बी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो साइन बी बराबर दिया हुआ है क्या, 3/√2। ठीक है, तो साइन बी बराबर दिया है 3/2 बराबर लिख सकते हैं हम लोग लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब दिया है और कर्ण दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे, अब एक फिगर बना लेंगे हम लोग। ठीक है, तो फिगर बना लेंगे ABC, एक फिगर बना लेंगे। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग अगर कोण बी है तो कोण बी के हिसाब से साइन बी दिया है ना, तो साइन बी के हिसाब से अब हम लोग लंब और कोण लिख लेंगे, तो लंब बटे कोण दिया है, तो लंब दिया है, लंब कौन होगा इसके हिसाब से, मतलब इस कोण के हिसाब से देखा जाए तो लंब होगा 3 और कोण होगा 2। ठीक है, तो 3 लंब लिख दिया और कोण लिख दिया 2। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे भाई आधार ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है, जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग जो क्या कर्ण के जगह पे भर देंगे कर्ण, तो कर्ण के जगह पे 2 है तो 2 भर देंगे बराबर 3 का वर्ग कर देंगे या प्लस में जो है BC का वर्ग। ठीक है ना, क्योंकि लंब दिया है तो लंब का मान यहाँ भर दिया हमने और BC का वर्ग कर दिया। ठीक है, BC का वर्ग का मतलब आधार का वर्ग। ठीक है, तो जो है BC का वर्ग कर दिया, अब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का जो रूट का वर्ग होता है तो रूट से बाहर निकल जाता है संख्या। ठीक है, तो 3 हो जाएगा प्लस में BC का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब 3 को इधर लाएंगे तो 4 में से 3 घट जाएगा, तो BC का वर्ग बराबर 4 में से 3 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, मैंने 4 में से 3 घटेगा तो 1 होगा। ठीक है, अब 1 का जो है मैंने 2 को इधर लाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा, तो 1 रूट में हो जाएगा, तो √1 हो जाएगा, √1 का मान 1 होता है, तो BC का मान निकल जाएगा क्या, BC का मान निकल गया 1। ठीक है, तो BC से जो है हम लोग कास बी का मान निकाल लेंगे अब। ठीक है, मैंने आधार निकल गया तो अब यहाँ से जो है कास बी का मान निकालेंगे, तो कास बी बराबर क्या होगा, आधार बटे कोण, तो आधार कितना है 1 और कोण कितना है 2,
तो ये हो जाएगा हम लोग का 1/2, यानी कि 1/2 का मतलब क्या, 1/2 का मतलब हो जाएगा बी सी बटे बी ए, ठीक है। तो इतना हो गया, हो गया। तब अब हम लोग क्या लिखेंगे, तब अब लिखेंगे कि साइन ए कास बी धन कास ए साइन बी। तब देखिए साइन ए का मान जो हम लोगों ने कहाँ निकाला था, साइन ए का मान यहाँ पे निकाला था 1/√2। तो यहाँ से भर देंगे साइन ए का मान 1/√2, और कास बी का मान, तो कास बी का मान अभी हम लोगों ने निकाला 1/2, तो यहाँ गुणे लिख देंगे 1/2 कास बी के जगह पे, प्लस में कास ए, तो कास ए का मान यहाँ देखिए 1/2 दिया हुआ था, तो 1/2 यहाँ पे भर देंगे 1/√2 दिया है, सॉरी, ठीक है ना। तो 1/√2 भर देंगे, और साइन बी का मान, तो साइन बी का मान जो है देखिए क्या दिया हुआ है, 3/2, साइन बी का मान दिया हुआ है, तो 3/2 भर देंगे, 3/2 भर देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग जो क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो इसका भाई गुणा है, तो गुणा होगा तो ये लिख सकते हैं इसको, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में जो है क्या लिखेंगे, 1 का 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 2 का जो है 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2√2, ठीक है। अब इसको जो है थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ाते हैं, तो 12 बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या भाई, इसका और इसका लॉस निकालेंगे तो हर बराबर है, तो हर बराबर है तो क्या होता है, अगर भिन्न का हर बराबर हो तो इसको जैसे के तैसे जोड़ देते हैं, तो 1√3 हो जाएगा, होगा 1√3 हो जाएगा, अब 2√2 होगा ही होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि चैनल पे नए हैं तो, ठीक है, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, थैंक यू।